थोड़ा एक्सप्लोरेशन पे अपने वर्ल्ड को खोजेंगे। एंड हाँ, इसमें चेंजेस ये है कि पिछले दो वीडियो मैंने माइनक्राफ्ट नॉर्मल वाले बनाए थे, बट ये वाला है बेटर माइनक्राफ्ट। तो इसमें हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास बहुत सारी एबिलिटीज वगैरह आ गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आया मेरे पास। भाई इसमें कुछ नए स्ट्रक्चर्स, नए बायोम्स वगैरह एड हुए, तो तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलने वाली है आगे आने वाली वीडियो में भी, और इस वीडियो में मतलब मिलेगी। तो फिलहाल चलो यार, चलते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो मैं सामान इकट्ठा कर लेता हूँ जो जो अपने को चाहिए रहेगा एडवेंचर के लिए, क्योंकि पहले तो मेरे पास सामान क्या क्या मैं देख लेता हूँ। एक सेकेंड, आयरन की ये चलेगी। पहले तो ये फालतू के फूल वगैरह ना मैं फेंकने वाला हूँ बाहर पे। फूड मेरे पास फूड है एंड बाकी सारी अपने पास सामान बेसिकली है। मुझे और क्या रखना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ फर्नेस भी है, एंड फर्नेस के अंदर में जरूर छोटे पोल रख लेते हैं यार, हम पोल अपने काम आएगा यार, तो ताकि हमको बाहर कहीं पे अगर है कोल है इसके अंदर, तो इसके अंदर से हमने कोल ले लेते हैं। पहले मैं तुम्हें थोड़ा बहुत घर दिखा देता हूँ, घर का तो मतलब बहुत चेंज इस पर पीछे हमने मस्त टेबल चेयर लगा दी है, साइड में अपना सोफा है जिसपे तुम ऑफकोर्स बैठ भी सकते हो। ओके, तो ये हम बैठ रखे हैं आराम से, तो तुम ऐसे सोफे में बैठ भी सकते हो, मैं हट जाता हूँ से। एंड देन सामने तुम्हें कुछ ड्रॉवर्स दिख रहे होंगे जिसके अंदर तुम ऑफकोर्स तुम्हें सामान थोड़ा बहुत स्टोर कर सकते हो, नॉट लाइक चेस्ट। एंड ये मैं सोचा थोड़ा एक्वेरियम टाइप का बनाऊंगा, बट इतना कुछ खास बना नहीं, इसको इम्प्रूव कर देंगे आगे जाकर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैंने ऊपर साइड में कुछ चेंजेस तो ऊपर भी किए हैं, मतलब ऊपर तो बहुत सारे नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं फिलहाल। अब एक और चीज़ मुझे जो लेनी है अपने साथ, एक बेड लेके चलना है, तो बेड अपने पास ऑलरेडी है, लेट्स गो, वी आर ऑल सेट। एंड हाँ, तुम्हें एक मिनी मैप भी दिख रहा होगा फिलहाल। हाँ, ये देखो मैंने साइड में इसके ट्रैप डोर भी लगा दिया जो तुम्हें पहले नहीं भाई हेलो तुम्हें पहले नहीं देखने को मिल रहे होंगे। एंड ऑफकोर्स कुछ फूल वगैरह लगाए हैं, एंड ये देखो इसको भी ऊपर साइड मैंने पूरा मस्त एकदम घास वगैरह से कवर कर दिया है। एंड ये रहा अपना फार्म जो तुम्हें थोड़ा और बड़ा दिखेगा, मैंने ऑफलाइन में काफ़ी सारा काम किया है यार, इसमें अपना फार्म थोड़ा सा और बड़ा हो गया यहाँ पर, तुम लोग देख सकते हो। एंड इसमें ये क्योंकि देखो ये बेटर माइनक्राफ्ट है, तुम्हें ऐसा अगर तुम्हें वीट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे तुम्हें वीट और सीड दोनों मिलने वाली है, कुछ इस तरह का कलर होना चाहिए तभी तुम्हें उससे चीजें मिलने वाली है। हाँ बिल्कुल सही सुना। फिलहाल अपने पास तो मैप भी है, तो अपना घर वगैरह सब मार्क रहेगा, घर वर घूमने की चिंता नहीं होगी हमें बिल्कुल भी। तो वहाँ भी कुछ सारा सामान हमने ले लिया, हम किसी से निकलना है बाहर की साइड में क्योंकि बहुत सारे बायोम भी एक्सप्लोर करने आ रहा है। तो फिलहाल अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकलूँ सीधा उस तरफ में, अपने ये जो है इनकम्प्लीट एक्सपी फार्म की तरफ में हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। एंड हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने वाला हूँ यार, मैंने ना कुछ तो मार्क किया था, मैं जब बीच में घूम रहा था यहाँ कहीं पर तो मैंने मार्क किया था, आई डोंट नो शायद टेम्प्ररी मार्क था तो हट गया शायद, बट ठीक है और कभी मिल जाएगा ऐसे बहुत सारे। तो फिलहाल यार जल्दी से चलते हैं अपन एक्सप्लोरेशन पे, निकलते हैं। एंड तुम्हें आसपास के साउंड भी अच्छे दिख रहे होंगे यार, डायनेमिक सराउंडिंग करके भी कुछ तो लगा हुआ है इसके अंदर, जिससे कि आसपास के साउंड बहुत तगड़े हो जाते हैं। एंड माइनक्राफ्ट में तुम्हें नॉर्मली ऐसा साउंड नहीं देखने को मिलते हैं, बट हाँ इसमें तो है। फिलहाल ये छोटी सी छोटा सा एरिया है जिसके ऑफकोर्स मैंने बोट भी दी हुई है अपने साथ में, तो हम लोग प्रॉपर बोट का यूज़ करेंगे जाने के लिए, लेट्स गो। वैसे बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह थी, वैसे मैं नॉर्मली तैर के आता तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं होती मुझे, बट नहीं ओके। ये तो छोटा सा डॉग है क्या भाई, हेलो चल इसको निकाल लेते हैं अपनी बोट को यहाँ से, एंड लेट्स गो। एंड ये क्या चीज़ है, ये माइन है, एंड यहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं भाई, यहाँ पर हनी बी नेस्ट वगैरह 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 चीज़ें हैं, लेट्स गो। हाँ इसमें थोड़ा तुम्हें पता है बहुत सारे नए नए मॉब्स भी ऐड हुए हैं, तो हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा घूमना। एंड ये एक बायोम तो यही वाला है, तुम ये देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी घास फूस होती है,
एंड मुझे ये बहुत बेकार लगा। लाइक तुम्हें तो दिखता ही नहीं है भाई, कुछ कुछ भी नहीं दिखता कि बंदा कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। मैं डियर को मारा था एक बार को, तो डियर इसमें गया था, मुझे मिला ही नहीं वो दोबारा। एंड तो पेड़ देख सकते हो, काफ़ी अजीब अजीब से पेड़ रखे हैं। मैंने पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने भी थोड़ा बहुत ही किया, सोचा कि वीडियो में पूरी तरह से करेंगे। एंड मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा अंदर, वाटर बकेट है तो सही, बट मैं एमएलजी करने से अभी डर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को यार आदत नहीं है एमएलजी की। मैं पता नहीं क्यों फूट गया, गलती से फूट गया, मैं आदत है नहीं मुझे एमएलजी मत भाई, फूट नहीं है इतना कह रहा। देखो उसके लिए मैंने इंतजाम किया, फर्निस वगैरह हमने रख के रखा है, तो हाँ काफी दूर तक जाएंगे, काफी अलग अलग बायोम्स में जाएंगे एंड काफी अलग। ओके फूड तो मैं छोड़ नहीं दी, मैं फूड तो मैं, अरे भाई घूम जा, इतनी बेइज्जती। लेट्स गो। एंड हाँ तुम्हें साइड में परसेंटेज दिख रहा होंगी शायद, जहाँ पर मेरी इन्वेंट्री है ना वहाँ पर तुम्हें परसेंटेज भी दिख रहा होंगी कि किसी कितनी हेल्थ है। तो 92% स्वॉर्ड की हेल्थ है, 93 आर्मर की हेल्थ है। तो हाँ अपने आर्मर की तो काफ़ी सारी हेल्थ वगैरह है ऑलरेडी। एंड फिर से पानी आ चुका है एंड मैं फर्स्ट चुका हूँ उसके अंदर। ओके लेट्स गो, फिर से बोट लगा देते हैं यहाँ पर, पीछे आ जाओ, लेट्स गो, चलते हैं जल्दी से आगे की तरफ। एंड तुम पेड़ देखो भाई कितने, मतलब मैंने लिटरली लाइक जंगल बायो में भी इतने बड़े पेड़ तो नहीं देखे हैं यार, इतने बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। फिलहाल हमको उस तरफ में जाना है तो हम उस तरफ में चलते हैं, क्योंकि आगे तक काफी मतलब इतना ज्यादा बड़ा है नहीं, ये भी नदी टाइप से है जो भी है ये, बट इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। तो बेसिकली जहां तक ये एक्सटेंड हो सकता है वहां तक जाएंगे हम लोग। देखो पेड़ देखो भाई क्या है, मतलब थोड़ा अलग सा बायोम है, तुम्हें नया नया सा अगर दिख रहा हो तो ये बेटर माइनक्राफ्ट का बायोम है। एंड इसके पेड़ जंगल बायोम से भी बड़े होते हैं एक्चुअली। ओ कूल, कुछ तो मिला यहाँ पे। आई थिंक मैं एक बार पहले आया था तो शायद मैंने ये सेम चीज़ देखी थी, एंड आई होप मैंने इसको लूटा ना हो यार, क्योंकि अगर ये वही सेम है तो फिर मैंने इसको लूटा था ऑलरेडी। एंड लेकिन नहीं, मैंने उसके लैंप निकाल लिए थे यार। हाँ हाँ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ यार, मैं लूट चुका हूँ जगह को ऑलरेडी, तो फ़ायदा तो है नहीं वैसे। देखो यहाँ पर ना काफ़ी सारे बुक शेल्फ रखे थे, वो मैंने ले लिए थे। दैन यहाँ पर बेड रखा था, दैन यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है तो सही, ये ऊपर नहीं, नहीं ये नहीं ऊपर जाने का रास्ता एक्चुअली। तुम्हें ये दिख रहा है ये सीढ़ियाँ, यहाँ पर सीढ़ियाँ भी थी। तो फिलहाल चलो यार अपने ये ऑलरेडी मैं लूट चुका हूँ, तो मैं क्यों ही अपना टाइम बर्बाद करूँ यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं अपन। मेरी बोट मैंने हाल में ले ली ना, एग्जैक्टली तो बोट को भाई रखा जा। चलो यहाँ से पहले कॉर्ड पड़ी थी, मैंने ही मारी थी वो पहले, अभी तक आई डोंट नो डीस्पॉन क्यों नहीं हुई वो, बट ओके। हाँ तो तुम ये वाला बायोम देख सकते हो यार, ये वाला भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो भी हो सकता है वो हम लोग देखने चलते हैं फिलहाल। ओ शे, फंस गया यार मैं। ओ पानी आएंगे, आ जा बेटा आ जा। अबे नूर के बच्चे, लेट्स गो। एंड तुम ये भी देखो यार, ये मतलब सिर्फ लंबे नहीं है, काफी मोटे पेड़ भी हैं, तुम लोग देख सकते हो इधर पे, लाइक बहुत ज्यादा ही मोटे पेड़ हैं। ऐसी पत्तियां बहुत तगड़ी लग रही है। स्केलेटन क्रीपर, दो क्रीपर, हेलो डूड, दो ये आइलैंड भाई सेफ नहीं है, मैं बाद में आऊंगा कभी इस पे भाई। दिन हो रहा है, मजाक नहीं चल रहा, दिन हो रहा है कसम से। ना ये जगह तो मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी। ये क्या चीज है, लो 300 BL, ये क्या चीज है, दिस मस्ट बी अ साइन। ओके अच्छा, तो नॉर्मल साइन बोर्ड है तो मैं ले लेता हूँ यार, अपने काम आ जाएगा।
एंड कुछ पेंसिल वगैरह भी ले लेता हूँ, गरीबी चल रही है अभी, ये भी मैं ले लूँगा, इसको भी ले लेते हैं। वैसे गरीबी बोलना सही नहीं होगा, मेरे पास बहुत सारी वुड है यार घर पे अपने, तो ये तो क्या गरीब बोलना तो बिल्कुल ही गलत शब्द था, बट ठीक है मैंने ले लिए सब कुछ। ये फ्लावर भी काफ़ी अच्छे हैं, बट यार अपने पास मैं जा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जगह बचाना अपनी इन्वेंट्री के लिए, एंड तुम्हें नया क्रिएचर की क्या चीज़ें मुझे नहीं पता, बट जो भी है। ओ भाई मैं ओके ये क्यूट है एक्चुअली, ही इज क्यूट। ओ भाई साहब जी भाई मारे मत, क्यूट बोल रहा हूँ तुझे यार, एक तो मार रहा है, इट बाइट्स ओके। खुश तो अजीब था भाई वो, उसने मेरे आर्मर की हेल्थ देख रहे हो तुमने कितनी कम कर दी भाई, एंड मेरी हेल्थ बिल्कुल कम है यार। ये जो चिकन है रॉ वाला वो भी हमको फूड चाहिए। लेट्स गो एंड और क्या नई नई चीजें इधर वो देखने लायक बात यार, इसके लीव्स तो बहुत तगड़े। मैं शीयर्स लाना भूल गया, मेरे को शीयर्स लाना था यार, मैं तो शीयर्स लाता तो मैं इनकी पत्तियां ले जाता ऐसे की ऐसी, काफ़ी एक गहरी बोलो यार। हाँ रेविन टाइप में चला जाए, माइनिंग तो करनी नहीं है, एक्सप्लोरेशन करना है, तो ऑफकोर्स मैं उसके अंदर नहीं जाने वाला हूँ ना। ठीक है शायद इस टाइम पे इतना ही सब है ना, आई थिंक शूर इस साइड पर मैं गया नहीं, उस साइड पर चल के देख लेते हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए जो हमें नहीं देखा हो उससे पहले। ओके बहुत बढ़िया, ये भी एक नॉर्मल सा लाइक गड्ढा जैसा है बस, और कुछ नहीं तो रवीन भी नहीं है। ओके हमको क्या मिला ये, ओके रुइन पोर्टल है क्या ये, रुइन पोर्टल है ना, रुइन पोर्टल ओके बहुत बढ़िया। तो ये ऑब्सीडियन ऑब्सीडियन पिकेक्स टूट जाते हैं नॉर्मल वाले, नहीं टूटेंगे फिलहाल इसके अंदर। ओके वैसे देखो गोल्डन वाली तो मैंने सुना कि इतनी खास होती नहीं है, बट फिर भी हम रख लेते हैं क्योंकि ना, एंड आयरन इंगट है काफ़ी सारे, आयरन नगेट है इंगट नहीं है सॉरी, तो ये भी रख लेता हूँ। फ्लिंट एंड स्टील भी काफ़ी काम की चीज़ है, तो मैं डर्ट हटा देता हूँ। ऑफकोर्स गोल्डन कैरेट भी काम आएंगे यार, तो गोल्डन कैरेट को मैं ले लेता हूँ इस चीज़ की जगह। व्यंजन व्यंजन पता नहीं क्या होता है, इसको भी हटाओ बिल्कुल सड़ा। मेरे पास और क्या है जो ख़राब चीज़ है, लाइक वो प्लैंक्स काम के हैं, ये मैं हटा रहा हूँ, आई थिंक ये इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी ना, एंड ये फूल वगैरह भी किसी काम के नहीं है। भाई तुम लावा की आवाज़ सुन रहे हो बैकग्राउंड में, यूजुअली आती नहीं है माइनक्राफ्ट में नॉर्मल वाले। एंड ये कि फायर चार्ज, ओके फायर चार्ज भी ले लेते हैं यार, बोल देना ओके। नाइफ नाइफ ओके, तो नाइफ भी रख लिया अपन ने, एंड और क्या कुछ खास। हाँ गोल्ड नगेट भी है तो गोल्ड नगेट भी रख लेते हैं, हमको पहला गोल्ड हमारा रुइन पोर्टल से मिला है। एंड मैं सोच रहा हूँ छाटने का यार, चीज़ें छाट दूँ खैर, बाकी सब तो काम का ही है अपने, मतलब ख़राब तो ऐसा कुछ है नहीं अपनी इन्वेंट्री में भी। हाँ ये स्लैब हटा ओके बोल दूँगा, हाँ वो नए माइनक्राफ्ट के अंदर, एंड उधर गोल्डन ब्लॉक है तो ऑफकोर्स गोल्डन ब्लॉक भी ले लेते हैं यार पिकैक्स से। वो लावा बाहर आ जाएगा मत तोड़ो, उधर पे ब्लॉक लगाओ। ओह उधर साइड उधर लावा के, ए उस पे क्राउच हो जाओगे ना तो नहीं डैमेज पड़ेगा। ओके बट एक सेकंड यार, इसको मैं तोड़ूंगा अगर तो यहाँ पे लावा आ जाएगा, पानी डालो यार, तो पहले अपने को पानी डालना पड़ेगा, वो पानी खत्म हो जाएगा ऊपर से डालना। देखा गया जुगाड़ तो देख ये ब्लू ऑब्सीडियन है ये पर्पल है। ओके हां तो ये ऑब्सीडियन में भी डिफरेंस तो है। अरे यार तुम लोग क्यों, तुम्हें पिटना होता है, पेड़ बहुत बड़े हैं ना इसलिए यार क्यों पिटना होता है। ओ मैं लावा में गिर जाऊंगा भाई, नहीं 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 यहां नहीं लड़ सकता मैं भाई, मेरी 12 बजवाने के चले हैं सारे, पेड़ बहुत बड़े हैं ना इसलिए छांव देती तो इसमें क्या, पेड़ बहुत बड़े हैं। ओके तो उसके पहले तुम लोग ये देख सकते हो यार, ये पता नहीं कैसे से तो ऑब्सीडियन में ट्राई करता हूँ तोड़ के, टूटते हैं नहीं, ये तो नॉर्मल वाले हैं, ये भी नहीं टूटते हैं, नहीं टूटने वाले भाई ये लोग।
ये एक नई टूटने वाला ऐसे। फिलहाल हमको कुछ अच्छी चीजें पिकेट बनानी पड़ेगी, उसके बाद कुछ छुपाएगा। एंड फिलहाल हाँ, यहाँ पर रोइन पोर्टल से हमें काफी अच्छा तो नहीं बोलूंगा बट ठीक है, डिसेंट सामान मिल गया लेने के लिए। अच्छा हमें इस साइड पे भी आ गया था। एंड ये पेड़ क्या है, ये क्या है क्या, हेलो क्या है ये जो कलेक्ट तक नहीं हो रहा। हेलो कुछ तो गिरा ना इधर, देखते हैं भाई क्या है। यू वुड ब्लू इट, पता नहीं मैं क्या चीज है, नहीं कुछ आई होगी यार माइनक्राफ्ट के अंदर। एंड इसके वुड का बॉय भाई, इसके वुड काफी अच्छे हैं, इसके पत्ते भी बहुत तगड़े हैं। ये सब ऐसे क्यों टूट रहे हैं, मैं क्रिएटिव में तो नहीं हूँ एटलीस्ट, इतना तो मुझे पता है। खैर ठीक है, फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। यार ये पता नहीं सारी चीजें ऐसी अजीब सी क्यों टूट से रखी है, लैग क्योंकि मेरा वर्ल्ड रेंडर नहीं हुआ यार आगे का, इसलिए शायद ऐसा लैग सा हो रहा है। मेरा वर्ल्ड पहले रेंडर हो जाए थोड़ा बहुत। एंड एक और माइन, माइन इसके अंदर अभी तक कोई अच्छा सा मतलब नया नया नवेला मॉब सा नहीं मिला ना अपने को, कि कोई मॉब मिल जाए तो। नो मॉब्स येट। तुम भाई इसके पेड़ देखो यार, इतने बड़े हैं, क्या है हद क्या? बड़े पेड़ हैं येलो क्या, येलो रेड क्या है। एंड ये चीज है एक फ्लू हो सकता है, ऑफ कोर्स हां तो फूल ही था। एंड तुम इसके पेड़ देखो यार, मतलब इतने बड़े पेड़ किस बायोम में होंगे, फिर कोई भरोसा नहीं है। एंड मोटे भी देखो कितने हो रखे हैं भाई। एंड कुछ खाना हमको यहाँ पर मिल रहा तो है, बट मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ यार, मैं छोड़ना ही मारता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे बहुत ज़्यादा कमी नहीं है ना। जब बहुत ज़्यादा कमी होगी तब शायद हम किसी मॉब को मारेंगे, बट ऐसे फालतू में नहीं मारने वाले। लेट्स गो। कितना ये अकेले इतना बड़ा बायोम है भाई, कितना टाइम लग गया इसको अकेले का एक्सप्लोर करने में। ये बूट देखो कितनी प्यारी लग रही है, कहीं बाद में आके लेंगे, अभी तो खैर इन्वेंट्री भरी पड़ी है, इन्वेंट्री में जगह नहीं है। एंड ये बैम्बू वाला मतलब जंगल बायोम है ये। फाइनली तुम अब बैकग्राउंड की आवाज़ों पर नोटिस करो भाई, मतलब मेंढक और ये पता नहीं किस किस की तो आवाज़ें आ रखी हैं यार। एक MLG कर सकता हूँ यहाँ से शायद। ओके सक्सेसफुल ब्रदर। अरे वो जंगल बार में तो क्या है, ऐसा कुछ रहता नहीं एक्सप्लोर करने के लिए यूजली, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इसमें देखो स्ट्रक्चर्स भी नए ऐड हुए हैं ना तो। ओके जंगल गांव के पेड़ कम नहीं है भाई, इनको तुम कम नहीं आ सकते उससे कंपेरिजन में, लाइक कि ये भी बहुत बड़े हैं। एंड एक पैरट तुमको दिखाता हूँ, एक पैरट तुम लोग क्योंकि मॉड ऐसा मैंने देखा है, मैंने करा भी है जूम कई बार एंड डैमेज ले लिया हमने, बहुत बढ़िया। बैकग्राउंड में कितना प्यारी आवाज है आ रही है बैकग्राउंड में, सुनो कोई ज़ॉम्बी की आवाज ना आ जाए बस। एंड ओके ये क्या चीज है भाई, माइनशाफ्ट थोड़ी ना, ये माइनशाफ्ट नहीं होगी, ये है क्या, स्ट्रक्चर है क्या है? कुछ नहीं रहता ऐसा इनको कहना है। फिलहाल यार रेल कलेक्ट कर लेते हैं, रेल ओके जगह ही नहीं बची मेरी इन्वेंटरी में, इसको बाहर फेंकते हैं भाई। कुछ कितनी अजीब सी आवाज आ रही है भाई, उसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं फेंक सकता फिलहाल। ठीक है अपना कोई रेल चाहिए तो रेल तो मैं इससे ले लूंगा। ओके लेट्स गो। किस चीज की आवाज है ये, मैं समझ नहीं पा रहा भाई, कितनी खतरनाक सी आवाज आ रही है। मैं ऑफकोर्स फंसना नहीं चाहूंगा यार ऐसे में यहाँ पर स्पेशली। थोड़ी बहुत रात तो हुई, मैं सो जाता हूँ यार, यही बैठ रहा कि पहले सो जाओ ताकि कोई सीन ना हो जाए बाद में।
कुछ चिड़िया बिड़िया। अच्छा, ये बैल है ना, तो आई थिंक मैं इससे ऊपर चढ़ सकता हूँ। तो हाँ, काफी सही चीज है, काम की चीज है, यू नो लाइक। मैंने मतलब आ जाओगे एक बार फिर से पेड़ों पर, बट आई थिंक मैं उल्टा आ गया हूँ, मुझे इस साइड पे जाना था कहीं तो। एंड एक और रवीन बोलू, रवीन कहाँ से यार, रवीन थोड़ी ना, हर कुछ रवीन होता है क्या, रवीन नहीं है ये। एंड मुझे फूड खाना चाहिए पहले भाई। दिन में ना ये सराउंडिंग की जो आवाज है ना, ये बहुत सेटिस्फाइंग होती है यार, देख कितनी प्यारी आवाज है। एंड हाँ, हट जा भाई साइड में, मरेगा मेरे हाथ से अभी। वो एपिक, बेटर वाकई में भाई, ये बेटर माइनक्राफ्ट है, बेटर देन बिफोर। अबे कितनी, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ, पानी मिल जाए मेरे को भाई, ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, निकल सकूँ बोर्ड पे बैठ के। एंड ये पेड़ कितना मोटा है, तुम देख सकते भाई, गजब गजब। चल दे भाई आगे, यहाँ तो भाई मतलब भाग नहीं पा रहा मेरा बंदा, तुम देख रहे हो, भाग नहीं पा रहा, यहाँ पर जगह नहीं है भागने के लिए। क्या है फिलहाल, मैं ढूंढ रहा हूँ जल्दी से, मुझे कुछ मिल जाए अच्छा सा, ठीक लाइक ओ, वी हैव गॉट समथिंग, वी हैव गॉट समथिंग गाइस। जंगल टेंपल है इसमें, ट्रैप्स रहते हैं या फिर जंगल टेंपल के जैसा कुछ और। क्या जंगल टेंपल, जंगल टेंपल यार, मेरे पे ब्लॉक तो ओके ऑफ कोर्स, इतने रईस नहीं है मतलब कि गोल्ड ब्लॉक्स लगाऊं मैं फिलहाल, लेकिन ये वाले ब्लॉक मेरे पास काफी सारे हैं। हटो ना यहाँ से, खोदना पड़ेगा क्या इसके अंदर? ओके जल्दी अंदर जल्दी, मॉम्स रहते हैं और ट्रैप भी रहते हैं, पिकेक्स निकाल रहे हैं क्या? मॉब्स रहते हैं? ट्रैप भी रहते हैं। ओके, तो मॉब्स और ट्रैप भी होते हैं इसके अंदर। ओ हाँ, कुछ तो मतलब काफी नीचे तक है। ओके, एमएलजीएन सक्सेसफुल हो गई इस बार। एंड नीचे कुछ तो जरूर सा है, मैं नहीं चाह रहा अपनी फुल लाइफ कर लेता हूँ। माउस और बैकग्राउंड तीर, आवाज आना बंद हो चुकी है, बाहर की कोई भी आवाज नहीं आ रही है। मैं अपने हाथ में तलवार रखने वाला हूँ। ओके लीवर्स, ये कोड है, कुछ तो कुछ कुछ, खुला कोड एक सेकंड, कुछ तो खुल रहा है। है, ये तीर लगेंगे यार। ओ मैंने बोला ना ट्राई सा डिस्पेंसर तोड़ दो, टॉर्च लगा पहले यहाँ पे। एक सेकंड, मेरे पास कुछ है क्या? टॉर्च वॉर्च? मैंने अभी दो अब लैंटर्न क्या, तोड़े थे, सूट और चारकोल ले लो, बस मैंने दो लैंटर्न तोड़े थे अभी। रोशनी आ रही है उसकी, वो तोड़ दो वो डिस्पेंसर, मैंने सामने ही लगा दिया। अच्छा डिस्पेंसर तोड़ दो, डिस्पेंसर टॉर्च हाथ में ले लेता हूँ, ये तोड़ना है ना। एंड ऑफ कोर्स देखो गाइस, कुछ तो है इधर, रुक जाओ। मैंने चेस्ट भी है, वाले जंगल टेंपल की चेस्ट में बहुत खास लूट नहीं मिलती, डिस्पेंसर ले लेता हूँ यार मैं, तीर हम पड़ी तो। इस चीज को मैं हटा लेता हूँ, एरोज मुझे नहीं चाहिए। डिस्पेंसर, ओके बहुत बढ़िया, इसके अंदर ओ वो देखो बुक भी है ब्लू कलर की, काफी सारा गोल्ड है। अब बताओ मैं किसकी जगह लूँ? और हैमर, मैं इसको ले लेता हूँ गाइस, ये किस काम का घटिया हट, ये ब्लू बुक भी लो, ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ईडन, ये फूल हटा दो ना, ये एनसाइक्लोपीडिया। फूल ओके हटा दो हाँ, ना। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ईडन फिलहाल उनको मिल चुकी है। एंड ये देखो तुम कैसे छुपा रखे हैं, चल यहाँ से, वो मिल चुके गाइस अपने को। कुछ नहीं है, ट्रिप तो आया था, कुछ एंड इधर ये सब क्या है? नहीं है वो भी। और भी कुछ तो खुला है यार यहाँ पे, एक ही चेस्ट रहती है तो। सही वही वाली।
ये भाई वाली है यार, तो फिलहाल ठीक है, लेकिन क्या नहीं, यहाँ से फिर से ऊपर चलते मिला उनका लूट, तो ठीक ठाक से मिल गया यार यहाँ से भी। एंड इधर पे तो कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक कुछ है इधर। हाँ मैं तोड़ के बाहर, लेट्स गो, चलो बाहर चलते हैं यहाँ से। बो भाई डेजर्ट टेम्पल भी, डेजर्ट टेम्पल क्यों बोल रहा हूँ मैं, जंगल टेम्पल भी लूट लिया एंड फाइनली मुझे मिल चुका है पानी, तो अब हम यहाँ से भी निकल सकते हैं अपनी मंदिर की तरफ। डैमेज तो पड़ाया यार, मैं लैंटर लाना भूल गया अपना वहां से। चलो ठीक है, मैं लैंटर लेने नहीं जाने वाला हूँ, लेट्स गो लेट्स गो। अबे हाँ, इसके अंदर पता है ओशन के अंदर ही है, सर ओशन मॉन्यूमेंट से हटकी भी और सारी चीजें ऐड तो हुई है ऐसा मैंने देखा था बेटर माइनक्राफ्ट में। या एक सेकंड, सॉरी, चलते हैं आगे की साइड पे, मेरा वर्ल्ड रेंडर ही नहीं हुआ भाई आगे की तरफ। मैं कुछ तो है अंदर, बहुत देखना पड़ेगा मतलब, लाइक यू नो। ओके, मैं हवा में चल रहा यार। रेंडर हो जा, देख रहे हो तुम कितना लो एंड सा पीसी मेरा, माइनक्राफ्ट रेंडर नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी लेट्स गो। ओके, ये क्या चीज है नीचे आ गया, कुछ दिख भी नहीं रहा भाई मेरे को तो। इधर कोई खास चीज है नहीं, दिख नहीं रही लाइक इसमें मेरे को एक। एंड हाँ यार, इसके बाद हो गया मेरा फोन ज्यादा ओवर हीट, जिसके कारण कैमरा बंद हो गया, रिकॉर्डिंग बंद हो गई, तो जितनी 27 मिनट की बनी थी उतना मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, अभी शायद एडिटिंग में कम भी हो जाए, बट हाँ एक एक्सप्लोरेशन हम लोग अगले पार्ट में जारी रखेंगे। तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब, नए हो अगर तो काम में जाना है आगे भी बेट माइनक्राफ्ट के अंदर। फिर आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।